नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हाउ टू ट्रेड जिगजैग इंडिकेटर विथ स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। स्टोकास्टिक और जिगजैग को कंबाइन करके ट्रेड करने का जिगजैग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे। स्विंग हाइज और स्विंग लोज यानी रिसेंट टॉप और बॉटम फाइंड करने के लिए जिगजैग इंडिकेटर से बेस्ट और कोई भी इंडिकेटर नहीं होगा। जिगजैग को हम परफेक्ट इलियट हुए पैटर्न्स फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में जिगजैग को रिसेंट हाई और लो देखकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे। और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल यूनिक है, आज तक ये स्ट्रैटेजी आपने कहीं भी नहीं देखा है। सिर्फ ये स्ट्रैटेजी ही नहीं, बल्कि इस चैनल पर आज तक जितने भी स्ट्रैटेजीज अपलोड हुए हैं वो सारे स्ट्रैटेजीज मेरे खुद के हैं, और फ्यूचर में आने वाले अन्य स्ट्रैटेजीज भी यूनिक और हाईली इफेक्टिव होंगे। इसलिए इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले हम MT4 चार्ट पर दो इंडिकेटर्स यूज करेंगे। पहला इंडिकेटर होगा जिगजैग, यहाँ पर हमें ये कस्टम पर सबसे नीचे जिगजैग मिल जाएगा, और ये जो बाय डिफॉल्ट पीरियड का जो रहेगा उसी को यूज करना है। यहाँ कलर्स पर जाएंगे और इसका जो थिकनेस है थोड़ा बढ़ा देते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट का रहेगा। एक जिगजैग इंडिकेटर लगाना है बाय डिफॉल्ट का। अब दूसरा इंडिकेटर हमें स्टोकास्टिक ओसिलेटर लगाना है। इंडिकेटर्स पर जाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर ओसिलेटर्स पर स्टोकास्टिक ओसिलेटर मिल जाएगा, जो ये बाय डिफॉल्ट पीरियड का होगा 533। इसको हमें 12 करना है, के पीरियड को स्लोइंग को 4 करना है, और ये डी पीरियड जो है 3 का ही रहेगा। 12 4 3 का हमें यहाँ पर स्टोकास्टिक ओसिलेटर लगाना है। अब हमने यहाँ पर दो इंडिकेटर्स लगाया, पहला जिगजैग और दूसरा ओसिलेटर, स्टोकास्टिक ओसिलेटर। इसको पहले हम फुल जूम कर लेते हैं, फिर एक बार जूम आउट कीजिए, उसके बाद सिग्नल्स कैसे लेना है वो देखेंगे। ये किसी भी टाइम फ्रेम पर हम ले सकते हैं। डे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अच्छा रहता है, इसलिए मैं इस पर दिखा रहा हूँ। किसी भी करेंसी पर, किसी भी करेंसी पेयर्स पर और किसी भी टाइम फ्रेम पर हम ये सिग्नल्स ले सकते हैं। अब पहले देखते हैं सिग्नल हमें कैसे लेना है। ये पहले हमें स्टोकास्टिक को देखना है, उसके बाद हम ये जो जिगजैग है इसको यूज करेंगे। पहले स्टोकास्टिक का शेप देखना है, ये जो 80 का लाइन है ऊपर का ओवरबोट और नीचे का ओवरसोल्ड लाइन है 20 का, बाई करने के लिए ऊपर के ओवरबोट जोन से नीचे के ओवरसोल्ड जोन यानी 80 के लाइन से नीचे 20 के लाइन पर आना है, और आते समय ये एक आपस में टच नहीं होना है, बस इतना देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। बाई के लिए ऊपर वाले लाइन से दोनों लाइंस, स्टोकास्टिक के दोनों लाइंस नीचे इस तरह बिना टच हुए, एक आपस में बिना टच हुए नीचे आना है, और नीचे वाले लाइन को टच करना है या उससे नीचे आता है तो भी ठीक है, जैसे यहाँ नीचे आया। ये बाई सिग्नल का कंडीशन हुआ, और ये बाई सिग्नल का कंडीशन ऐसा शेप बनने के बाद पहले हमें देखना है, इसके ठीक ऊपर देखना है। हमें यहाँ पर रिवर्सल कैंडलस्टिक चाहिए। रिवर्सल कैंडलस्टिक में बुलिश एंगलफिन हुआ, हैमर हुआ, इन्वर्टेड हैमर, ये तीन पैटर्न्स में से कोई एक मिलता है तो ठीक है। यहाँ पर हमें बुलिश एंगलफिन मिला। पहले हम देखेंगे बुलिश एंगलफिन का जो ग्रीन कैंडल है वहाँ पर वर्टिकल लाइन रखेंगे और देखेंगे ये नीचे वाले लाइन को स्टोकास्टिक ने टच किया है कि नहीं। बिल्कुल किया है, यहाँ पर ग्रीन वाला लाइन ने किया, दोनों करता है तो ठीक है, नहीं तो एक करता है तो भी ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टोकास्टिक ने बाई सिग्नल दिया, परफेक्ट। अब हम यहाँ पर ये जो जिगजैग है ये देखेंगे। जिगजैग को क्या करना है, ये जो जहाँ सिग्नल मिला उससे पहला जो पीक है, हाई है, रिसेंट हाई है, वहाँ से हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त हमें ये देखना है, अगर इसका हाई ज़्यादा लंबा है तो इसको हाई टच करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर इसका हाई छोटा है तो हम उसका सेकेंड वाला हाई को टच कर सकते हैं। यहाँ दो में जो स्लोप देगा, जो ज़्यादा डाउनवर्ड स्लोप देगा उसी को टच करना है।
हमें यहाँ पर ये वाला दे रहा है ज़्यादा डाउनवर्ड स्लोप, सेकेंड वाला दे रहा है, अगर हम फर्स्ट वाला को टच करेंगे तो फिर ये हमारा ऐसा ट्रेंड लाइन बनेगा। तो यहाँ पर सेकेंड वाला दो कैंडल्स के अंदर हमें हाई को पिक करना है। हमने इसका हाई पिक किया जहाँ पर इसने पीक बनाया, रिसेंट हाई बनाया, उसका नेक्स्ट कैंडल का हमने हाई को यहाँ कनेक्ट किया। अब ये कनेक्ट कहाँ से तक करना है, जहाँ हमें सिग्नल मिला, जहाँ बुलिश एंगल भी मिला या हैमर मिला या इन्वर्टेड हैमर मिला, यहाँ बुलिश एंगल भी मिला था तो उसका जस्ट प्रीवियस कैंडल का हाई तक हमें ये ट्रेंड लाइन लाना है। हमने यहाँ पर जो इससे प्रीवियस का हाई है उसको कनेक्ट किया और ऊपर जो जिगजैग का या उसके नेक्स्ट कैंडल का जो हाई है उसको पीक करना है। और ये पीक करने के बाद आपको देखना है जहाँ से हमने ड्रॉ किया वहाँ से नीचे तक ये ट्रेंड लाइन से ऊपर बॉडी नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है लेकिन अगर आप सेंटर देखेंगे तो ये लेग यहाँ का है, हमने यहाँ टच किया था उसका हाई यहाँ पर कनेक्ट हुआ, ठीक है, बॉडी ऊपर नहीं है, ये शेप का बॉडी है लेकिन यहाँ पर जो रियल बॉडी है वो ऊपर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पर हमें बाई का सिग्नल लेना है, ये परफेक्ट बाई था, यहाँ बाई करना है, 1:2 का टारगेट रखना है। अगर ये बुलिश एंगल फिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो वैसे कंडीशन पर हम सिग्नल नहीं लेंगे, यहाँ पर एवरेज था, एवरेज पर लेना है। सबसे पहले हमें देखना है हमारा SL ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वैसे कंडीशन पर हम यहाँ पर 1:2 का टारगेट रखेंगे, यहाँ का SL रखेंगे, यहाँ बाई करेंगे। ये एक बाई सिग्नल के लिए हुआ। उसी तरह सेल सिग्नल के लिए ये दोनों लाइन यहाँ पर भी गया था, ये दोनों लाइन नीचे वाले लाइन से ऊपर वाले लाइन तक जाना है, 80 के लाइन तक जाना है 20 से, और जाते वक्त एक आपस में टच नहीं होना है, बिल्कुल गया। जाने के बाद हमें इसको मैं हटा देता हूँ या रहने दीजिए, ठीक है, जाने के बाद ऊपर देखना है सिग्नल कहाँ मिला, बेरी सिंगल फिन यहाँ मिला तो उसका पहले का कैंडल है ये है, तो नीचे जो जिगजैग का लो है वहाँ से हम इसका लो तक ये ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ किया, यहाँ सेकेंड वाले को कनेक्ट किया, अगर ये कनेक्ट थोड़ा लो होता तो ये कनेक्ट हो जाता, हमने सेकेंड को कनेक्ट करना है, दो के अंदर किसी एक को करना है, ये करना है। और जहाँ सिग्नल मिला वहाँ पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर हमें परफेक्ट एवरेज बेरी सिंगल फिन मिला, तो उससे पहले का लो को हमें कनेक्ट करना है और देखना है उसके बीच में बॉडी इससे नीचे नहीं दिखना चाहिए, लेग आता है कोई बात नहीं, बॉडी इससे नीचे नहीं दिखना चाहिए। तो ये भी एक परफेक्ट सिग्नल था, जैसे हम यहाँ पर हमें यहाँ बाई का सिग्नल मिला और यहाँ पर हमें इस कैंडल ने सेल का सिग्नल दिया, उसी तरह यहाँ पर भी हम देख सकते हैं स्टोकास्टिक का शेप बिल्कुल नीचे वाले लाइन को टच करके एक आपस में बिना टच हुए ऊपर गया था, तो हमें यहाँ पर इसने बेरी सिंगल फिन का सिग्नल दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्टिकल लाइन रख के देख सकते हैं, बिल्कुल दोनों लाइन्स यहाँ पर ऊपर थे, इसने हमें बेरी सिंगल फिन का दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका लो से इससे पहले का जो लो है, इससे पहले का लो है वहाँ पर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे इसके अंदर ये दोनों लोज के अंदर यहाँ पर ट्रेंड लाइन के नीचे बॉडी है कि नहीं, बिल्कुल नहीं था, लेग था कोई बात नहीं, लेग ये रिजेक्ट कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर बॉडी नहीं था, तो ये इस पर हमारा ये परफेक्ट सेल सिग्नल बना। ऐसे कंडीशन पर हम सेल सिग्नल लेंगे। अब यहाँ पर भी ये दोनों लाइन एक आपस में टच नहीं हुए थे लेकिन यहाँ पर हमारा सिग्नल नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पर हमने ये हाई को कनेक्ट करना है और बुलिश एंगल फिन हमें यहाँ मिला, यहाँ पर इससे पहले वाले का हाई को कनेक्ट करना है। अब देखिए इससे ऊपर आपको यहाँ पर बॉडी दिख रहे हैं, यद्यपि ये पॉजिटिव गया लेकिन ये हमारा सिग्नल नहीं था। तो इस तरह से हम बाई और सेल का सिग्नल ले सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर, किसी भी करेंसी पेयर्स पर आप ये ले सकते हैं। तो ये इस स्ट्रेटेजी का पार्ट वन है, अगर आपको इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप कमेंट करेंगे, तो इस पर थोड़ा सा और फिल्टर करने का मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू का बनाऊंगा। ये बहुत ही आपको इफेक्टिव इससे रिजल्ट मिलेगा, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना है और इसका भी शेप देखना है। तो ये था आज का स्ट्रेटेजी जिगजैग पर, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।